और उस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से मिल रही है। आरोप ये लग रहा है कि मां पर ट्यूशन पढ़ाने के आड़ में हिंदू बच्चियों का धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और लड़कियों के मना करने पर उनके साथ छेड़खानी और उन्हें धमकी भी दी जाती थी। लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR अब दर्ज कर लिया है, आगे की जांच की जा रही है। और जानकारी के मुताबिक आवेश शेख और कैफ शेख नाम के दो आरोपी लड़कियों का पीछा करते थे और उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश भी करते थे। ये दोनों ही आरोपी किसी भी तरह इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की लगातार कोशिश करते रहे। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि शिक्षिका हिना शेख इन लड़कियों पर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे ही बातचीत करने का दबाव बनाती थी और जो लड़कियां ऐसा करने से मना कर देती थी उनके साथ छेड़खानी और उनकी तस्वीर वायरल करने की बाकायदा धमकी दी जाती थी। तो इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आवेश बोलला की तुला माझ्या सोबत पळून यावं लागेल, आमच्या ह्याच्यात आमची जात स्वीकारावं लागेल, तो बुरखा घालावं लागेल, तुमची हिंदू मुलं जे तुम्हाला त्रास देतात, आमचा बुरखा असलं तुम्हाला कोणी त्रास देणार नाही, तुमच्या जातीत जे काही आहे ते करायचं नाही, ते आमच्या ह्याच्यात चालत नाही, आमची जात स्वीकार करायची। ती हिना शेख बोलायची की आमच्या लँग्वेज मध्ये बोलायचं शिका म्हणे, हिंदू हिंदी लँग्वेज बोलत जा, उर्दू बोलत जा, म्हणजे तुम्हाला आमची कास्ट स्वीकारल्या गेल्यावर तुम्हाला काही पुढे अडचण येणार नाही। मुसलमान की तरफ भेजा गया था और वो उधर की जो टीचर है वो टीचर उनके जो संपर्क के मुस्लिम लड़के हैं ये लड़कियों को उनपे उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती थी। जैसी शुरुआत उसने ऐसी की थी, तुम्हें ईद है हमारी, सिर खुरमा खाने के लिए आना चाहिए, वो लड़कियां छोटी थी कुछ समझा नहीं, सिर खुरमा खाने के लिए गई तो इनने कहा हमारा नियम है क्या सिर खुरमा खाने के बाद हमारे लड़कों के साथ सेल्फी लेना पड़ती है। लड़की ने सेल्फी लेने के बाद में उनको ब्लैकमेल का धंधा इनने चालू किया। और चलिए हमारे साथ दिवाकर इस वक्त जुड़ गए, उनका हम लोग कर लेते हैं। दिवाकर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे केस में नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश जो अहमदनगर पुलिस है वो करने में जुटी हुई है लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि जो लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाती थी एक शिक्षिका के पास, वही उनका धर्मांतरण करवाने की कोशिश अहमदनगर में कर रही थी। एक लड़की ने यहां पर हिम्मत दिखाई और उसने जाकर पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ कि किस तरह से राहुरी इलाके के उम्बरे गांव में इस तरह से जो है पूरा गोरख धंधा इस धर्मांतरण का चलाया जा रहा था। शिक्षिका के साथ साथ जो उसके दो भाई हैं, उसकी एक बहन है, उनके खिलाफ भी मामला इस पूरे केस में दर्ज हुआ है लेकिन पुलिस का यह साफ तौर पर कहना है कि उनकी जांच अभी चल रही है, जांच में क्या सबूत निकल के सामने आते हैं वो भी देखना अहम है। लेकिन जिस लड़की ने इस पूरे मामले में शिकायत की है उसने कई सारे व्हाट्सएप चैट्स और साथ ही साथ कुछ वीडियो जो है वो पुलिस को मुहैया कराए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह का यह पूरा मामला सामने आया है, ये पूरा मामला कल महाराष्ट्र विधानसभा में भी जो राहुरी के विधायक हैं उन्होंने उठाया था और जिसके बाद बाकायदा पुलिस एक्शन में आई थी और पूरे मामले में को जो है केस दर्ज करते हुए अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। 8 आरोपी हैं, सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बेहद करीबी हैं और जिन लड़कों को ये जिम्मेदारी दी गई थी इन लड़कियों के धर्मांतरण कराने की, पहले प्रेम के जाल में फंसाने की उसके बाद उसका धर्मांतरण कराने की, उन लड़कों की तलाश की जा रही है फिलहाल। लेकिन तलाश उन लोगों की ही जा रही है दिवाकर जो लोग इसमें शामिल थे, लेकिन हिना शेख के पास जो और बच्चियां पढ़ने आती थी जिन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या उनसे अभी तक आपकी बातचीत हो पाई है? क्या परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, परिवार वालों की सहमति के बाद ही 3 लड़कियों ने राहुरी पुलिस स्टेशन में जाकर बाकायदा मामला दर्ज कराया है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 5 और लड़कियां हैं जो आने वाले कुछ घंटों में ये मामला और दर्ज होगा, यानी 5 FIR इस पर मामले में और दर्ज होनी है, यानी कुल मिलाकर 8 FIR इस पर मामले में दर्ज होगी। और इन 8 लड़कियों यही 8 लड़कियां हैं जो हिना शेख के पास बाकायदा जो है ट्यूशन लेने के लिए जाती थी और उस ट्यूशन लेने जाने के लिए बाकायदा उनको आईडिया।